हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चुराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही है 1500 क्वेश्चन की, उसकी हम नेक्स्ट क्लास को कवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले कवर करवाए हैं वो आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो उसे जरूर देख लेना, काफी शानदार क्वेश्चन है और आपको यहाँ से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये सीरीज आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ, रामबाण होने वाली है। बिकॉज ऑफ इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसकी डिटेलिंग आपको दी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एंड कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा साहिल चराया, या फिर मैंने टेलीग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं की है तो डाउनलोड करने के बाद सर्च करिएगा उसमें साहिल चराया और फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी सेशंस हैं उसकी डिटेल आप तक पहुंचती रहे। तो यहां पर अगर अपनी बात करें, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ यूटीपी केबल कैन नॉट ट्रांसमिट डाटा, यानी कि वो कौन सी आपकी कैटेगरी है यूटीपी केबल की जो आपके नॉर्मल डाटा ट्रांसफर के लिए यूज नहीं होती है। अब यूटीपी क्या होता है? यूटीपी इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैटेगरी वन। कैटेगरी वन जो है ये आपकी टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज होती है, नॉर्मल डाटा ट्रांसफर के लिए आपकी यूज नहीं होती है। बाकी जो कैटेगरी है वो डाटा ट्रांसफर के लिए और स्पीड को कैरी करती हैं, अलग अलग स्पीड होती है इनकी। स्पीड जो स्पीड है वो वैरी करते हैं, जैसे कैटेगरी टू में लगभग 4 अप टू 4 Mbps स्पीड मिल जाती है आपको, कैटेगरी थ्री में 16 Mbps तक आपको स्पीड मिल जाती है, कैटेगरी फोर में 20 Mbps तक आपको स्पीड मिल जाती है, और कैटेगरी फाइव में 200 Mbps तक आपको स्पीड मिल जाती है। यहाँ 20 से लेकर 100 तक आप मान सकते हो आपको स्पीड मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस ए फाइल स्टोर्ड इन सिस्टम, आपको वो पाथ दे रखा है, क्रिएटिंग ए डैश ऑन द डेस्कटॉप। कोई भी फाइल या फोल्डर है, अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप पर क्या क्रिएट करोगे कि आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शॉर्टकट। आप जब डेस्कटॉप पर या किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट शॉर्टकट का, तो आप वहां से उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू सीक्रेटली ब्राउज इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आपको बताना है ब्राउज करने के लिए किसका यूज होता है, वो भी सीक्रेट, कि आपकी जो हिस्ट्री है वो आपकी सेव नहीं होगी, आप उसमें कुछ भी आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। तो वो है आपकी इनकॉग्निटो मोड, जिसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूं। ब्राउजर पर जाओगे आप गूगल क्रोम पर तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसकी शॉर्टकट की होती है इनकॉग्निटो मोड की। नेक्स्ट, इन एक्सेल विच फीचर अनेबल यू टू एडजस्ट और बैक सोल्व द वैल्यू इन ए सेल टू रीच ए डिजायर्ड आउटकम इन ए फॉर्मूला। आपको बताना है एक्सेल के अंदर किसका यूज होता है या उस ऑप्शन का यूज क्या है जिससे आप डिजायर्ड आउटपुट दे पाएंगे, डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा, यानी कि पहले से ही आपको आउटपुट पता होगा। ठीक है, तो आपको बताना है किसका यूज होगा। मे बी लास्ट जो क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो आपका सही उत्तर होगा वो होगा गोल सीक। आपका क्या होगा, गोल सीक, जो आपको मैंने बताया था व्हाट इफ एनालिसिस में मिलता है, व्हाट इफ एनालिसिस में आपको देखने को मिलता है। आपको मैंने ऑप्शन बताए थे, एक तो गोल सिक मिल जाता है, दूसरा आपको सिनेरियो मैनेजर मिल जाता है, और तीसरा मिल जाता है डाटा टेबल। ये आपको ऑप्शन मिलते हैं
डाटा मेन्यू के अंदर, डाटा टूल ग्रुप के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन के अंडर में आपको ये देखने को मिलता है। डैश इज एन उप प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा उप्स प्रिंसिपल है वो आपको बताना है। उप प्रिंसिपल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपके पास आ जाता है सी प्लस प्लस, जावा, ये दोनों आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इनमें से किसका यूज होता है वो आपको बताना है, तो कौन सा उसका प्रिंसिपल है। तो मेन आप प्रिंसिपल मैं बता देता हूं, एक तो हो गया आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म, या आप नाम जरूर ध्यान रखोगे। फिर अगर अपने बात करें एनकैप्सुलेशन, फिर आपके पास आ जाता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये मेन पिलर हैं या मेन प्रिंसिपल हैं। तो आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका रिक्वायर्ड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क। आपको वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल या सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बताना है जो इंटरनेट के अंदर या सिमिलर कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल माना है, तो आपका सही आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। सूट में आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टिपिकल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन ए यूआरएल, एक यूआरएल में क्या क्या होना चाहिए। सिंपल URL that is, आप बोलते हो ना किसी वेबसाइट का लिंक, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कौन सा आपका URL है यहां पर वो आपको बताना है। URL में क्या क्या होना चाहिए, देखो www होना चाहिए और डोमेन आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि .com हो गया, .in हो गया, वो और www आप यूज करते ही। नेक्स्ट, डैश इज ए टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर ए सिंगल लाइन। अगर आप बहुत सारे अलग अलग सिग्नल को एक ही पाथ पर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, जो क्या करता है बहुत सारे अलग अलग सिग्नल को कंबाइन करके एक ही पाथ पर भेजता है। तो अगर आपसे पूछे मल्टीप्लेक्सिंग में चैनल कितने होते हैं, मैनी चैनल होते हैं जिससे आपके सिग्नल आते हैं, और पाथ आपका कितने होते हैं, पाथ आपका एक ही होता है जिस पर वो जाता है। और अगर आपको इसे बाद में अलग अलग पार्ट में तोड़ना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग का यूज कर लेते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग का हम यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू फाइंड ऑन लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन पर जब आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होती है। जैसे फेसबुक में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे ही आप लिंक्डइन में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हो, तो उसके लिए जो टर्मोलॉजी यूज होती है वो होती है कनेक्शंस। आप क्या करते हो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर देखा गया है कि अब जो आपके एग्जाम आ रहे हैं ना उसमें रिसेंट जो भी हम टर्मोलॉजी यूज करते हैं या जो भी चीजें हम यूज करते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था एप्पल के कंप्यूटर के अंदर अगर आपको एज ए वर्ल्ड काम करना है तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करोगे बाय डिफॉल्ट। जैसे हमें वर्ल्ड के रूप में विंडोज पर काम करने के लिए क्या मिल जाता है, वर्ल्ड पैड मिल जाता है, नोट पैड मिल जाता है, वैसे ही आपको एप्पल के कंप्यूटर में क्या मिलता है, तो वहां मिलता है वर्ल्ड, जो आपका प्रोसेसर यूज होता है बाय डिफॉल्ट उसका नाम है पेजेस, तो पेजेस उसका सही आंसर होता है। तो जो रिसेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में तो काफी लॉजिकल और आप जो चीजें यूज करते हो उसके बेस पर यहां पर आपसे क्वेश्चन राइजेज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा जो पार्ट है वो कैलकुलेशन या कंपैरिजन करने के काम आता है, तो वो है आपका ALU। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर डिफरेंशिएशन बता देता हूं, जो अर्थमेटिक यूनिट है ना इसमें उसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है,
और जो यहां पर लॉजिकल यूनिट है उसका काम कंपैरिजन करना होता है। अगर आपसे स्पेसिफिकेशन पूछ लें कि किसका क्या काम है तो ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट, डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एवरीवेयर। इसमें से कौन अलाउ करता है कि आप ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो? काफी सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेबमेल इंटरफेस। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए फेडेड या डिम्ड कमांड इन ए पुल डाउन मेन्यू। जब भी आप किसी भी मेन्यू पर पुल डाउन करते हैं तो आपको वहां डिम्ड कमांड मिलती है, उसका क्या मतलब होता है? डिम्ड कमांड का मतलब होता है आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, जब आप कोई लॉगिन का लॉगिन करते हैं किसी पेज पर, तो जब तक आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं भरते तब तक सबमिट का बटन जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं होता, तब तक वो डिम्ड रहता है। जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जब तक आप सारी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो नहीं भरते आप अगले पेज पर नहीं जा सकते, वो कंटिन्यू का ऑप्शन है वो आपका एक्टिवेट ही नहीं होता, तो वो डिम्ड कमांड होती है वो आपकी। ठीक है, तो डिम्ड कमांड ही पूछा था क्या है, द कमांड इज नॉट करंटली एक्सेसिबल। जो एक्सेसिबल नहीं है उसी को ही बोलते हैं हम डिम्ड कमांड। वट इज ए यू आर एल, यू आर एल अब होता क्या है, फुल फॉर्म तो मैंने आपको अभी बताई थी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। होता क्या है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ। तो मैंने आपको बताया था जो भी आप वेबसाइट का लिंक है उसी को ही यू आर एल बोलते हो, तो क्या हो गया, द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every. जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एंटर बटन दबाने से क्या होता है, क्या चेंज होता है? लाइन चेंज होती है, सेंटेंस चेंज होता है, पैराग्राफ बनता है, वर्ड होता है, नन ऑफ दिस। तो जो आपका एमएस वर्ड है हर एंटर पर वो ये देखता है कि आपने अपना पैराग्राफ चेंज कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेंटेंस चेंज करने के लिए तो हमें डॉट का सिंबल यूज करना होता है, लाइन चेंज हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, आप लिखते रहो ऑटोमेटिक आपकी लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि वर्ड रैप हमारा ओन होता है। तो एंटर दबाने पर कंप्यूटर क्या देखता है कि आपने पैराग्राफ चेंज कर लिया है। तो जितनी बार आप एंटर प्रेस करोगे उतने नए पैराग्राफ बन जाएंगे आपके एमएस वर्ड के अंदर। नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इंटू अनदर इज टर्म्ड एज। एक इमेज का दूसरे में ट्रांसफर होना या बदलना क्या कहलाता है? जैसे आप मूवी देखते हो तो सीन चेंज होते रहते हैं ना, और इतने फ्रिक्वेंटली वो चेंज होते हैं हमें लगता ही नहीं है कि सीन चेंज होगा। कभी वो हीरो पे चला गया, कभी वो विलन पे चला गया, कभी वो हीरोइन पे चला गया, कभी सभी गुंडों के ऊपर चला गया, तो वो सीन चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंज हो रहा है आपके सीन के अंदर, पिक्चर के अंदर, इसे क्या बोला जाता है, आपसे पूछा है, इसे बोला जाता है मॉर्फिंग। क्या बोलते हैं हम? मॉर्फिंग। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन ओपन एप्स इन एमएस विंडो 10, आपको क्या दबाना होता है? विंडो लोगो की प्लस डैश बटन, यानी कि ओपन प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए शॉर्टकट की पूछी है, विंडो के साथ आपको कौन सा बटन दबाना होगा? तो ओपन प्रोग्राम के बीच में स्विच करने के लिए हम विंडो के साथ टैब बटन दबा सकते हैं, या इसकी एक अल्टरनेट शॉर्टकट की और है, एल्ट प्लस टैब बटन। विंडो प्लस टैब बटन दबाने से हमारा जो व्यू होता है वो होता है कैस्केडिंग व्यू। कैस्केडिंग व्यू में आपका चेंज आता है, और एल्ट प्लस टैब से जब आप ओपन प्रोग्राम के बीच में स्विच करते हो तो टाइल व्यू आपको देखने को मिलता है। तो टैब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वीपीएन इज यूज्ड बाय कंपनीज विद डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए आपके जो वीपीएन यूज किए जाते हैं, वीपीएन दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो कौन से यूज होते हैं
तो साइड टू साइड भी यूज कर सकते हो, राइटर टू राउटर भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप सभी के लिए SOIT का जो बैच है वो भी शुरू हो चुका है, 3:30 बजे उसकी क्लास होती है, और अभी हम करंटली DBMS के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हम थ्योरी बेस में कर रहे हैं। तो कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए SOIT ऑफिसर का बैच ज्वाइन कर सकते हो और वो 3:30 बजे आपका चलता है। अगर आप अन अकेडमी पर अभी तक नहीं है और मेरे से थ्योरी या प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ER10 कोड यूज करके आज ही अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको वो सारे एडिशनल ऑफर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे जो भी वैलिड आपके होंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से नए बैच आपके आए हैं जिससे आप कवर कर सकते हो। तो टॉप एजुकेटर के द्वारा बहुत सारे नए बैच आपके शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पर, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको मिल जाएगा रणवीर बैच, रणविजय बैच एंड स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ बैचेज, जिसमें मेरा आपको थ्योरी का बैच मिल जाएगा, RBA असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस का बैच भी मिल जाएगा, गुरुकुल बैच। शाम को 7 बजे हम थ्योरी करते हैं, सुबह 10 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो रेगुलर सीरीज है, इसे आप कवर कर सकते हो। एंड आस्क के डाउट फीचर आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में है उसकी आप बुक के अंदर या PDF में फोटो खींचिए, एक क्वेश्चन पर क्रॉप करिए, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड अनअकैडमी कॉम्बैक्ट एग्जाम हर संडे होता है 10 बजे, जिसमें आपको एनालिसिस करने को भी मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप टॉप रैंकर में आते हो, 1st-3 रैंक, तो 1 ईयर बैंक एग्जाम का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी आप सभी के लिए 75%, 50%, 25% ये स्कॉलरशिप भी रहेगी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो एनरोल कर लीजिएगा, और एनरोल करने के लिए कोड मांगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, ER10 कोड आप यूज कर सकते हो। नाउ ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रॉपरली टारगेट करिए, एंड डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में काफी बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।